हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्वाद कढ़ाई का। में आज हम बना रहे हैं आलू और ब्रेड से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। थोड़ा सा ज़्यादा डालना क्योंकि आलू के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है हरा धनिया। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम थोड़े से मसाले। तेज मसाले नहीं रखने हैं, हल्के मसाले रखने हैं। बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च और इसमें डालना है थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार लें, कुछ और नहीं डालना है मसालों में। इसमें हम ऐड करेंगे एक चम्मच टमाटो सॉस और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक आलू नहीं करने हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से मोटे मोटे छोड़े हुए हैं, इसमें इनका फ्लेवर अच्छा आएगा। थोड़ा सा हमने तेल गरम किया है, अब इस तेल में हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों दाना। इसको भून लेंगे। और साथ ही इसमें आप डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च। हल्का सा इसको भी भून लेंगे और इसमें एक बड़ा प्याज ऐड कर देंगे जो हमने मोटा मोटा काटा हुआ है। इसको भूनना नहीं है, सिर्फ इतना करना है कि इसकी ये जो स्प्रिंकल हैं सारे अलग अलग हो जाएं। सिर्फ हम इतना भूनेंगे इसको। बहुत जल्दी बन जाता है ये नाश्ता, आप कभी भी किसी भी टाइम बना सकते हैं। ये देखिए जब प्याज में सेक लगती है ना तो ये सारे अलग अलग अपने आप ही हो जाते हैं, और नहीं होते तो इस तरीके से आप इनको अलग कर दीजिए। और अब हम इसमें ये आलू की पिट्ठी डाल देंगे और इसको मैश कर देंगे। गैस बंद कर देंगे। बस ये तैयार है। वापस बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए अब हम इसको ब्रेड पर अप्लाई करेंगे। हल्का नहीं लगाना है, अच्छी तरीके से लगाना है। ये हमने दो आलू लिए थे और दो आलू में आपके 6 या 8 सैंडविच आराम से बन जाएंगे। इस तरीके से लगाना है। जब ये लग जाए तो हम इस पर डालेंगे पिज़्ज़ा चीज़। अप्लाई करेंगे दूसरी ब्रेड। इस तरीके से हम और लगा लेंगे। थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे, इसको अच्छी तरीके से फैला लेंगे और ब्रेड रख देंगे इसके बीच में। गैस को मीडियम रखना है, बिल्कुल सॉरी गैस को स्लो रखना है आपने, और इसको हल्का सा दबा देंगे। ये देखिए जिस तरफ आलू है उस तरफ आप मीडियम से सेकेंगे और जिस साइड चीज़ है उधर आप बिल्कुल स्लो से सेकेंगे।
थोड़ा सा घी और अप्लाई करेंगे और ये देखिए कितना बढ़िया क्रिस्प हो गया। दूसरी साइड से हम बिल्कुल मंदी हीट देंगे ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए। दबाते इसलिए रहेंगे कि ये अच्छी तरीके से करारा होके सिक जाए। प्रेस करके हल्का सा फिर सेकेंगे, फिर प्रेस कर देंगे। और ये देखिए इधर से एकदम बढ़िया सिक चुका है ये। दूसरी तरफ से भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कोई ज़रूरत नहीं है टोस्टर की, ग्रिल की, पैन में या तवे पर ही बहुत अच्छा सैंडविच बन जाता है। निकाल लेंगे इसको। ये देखिए मैं आपको इसको काटना नहीं है क्योंकि काटने से जो इसका फ्लेवर है ना वो आपको पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो ये देखिए कितना शानदार है ये। ये देखिए तो बनाइए बढ़िया सा सैंडविच। बहुत ही टेस्टी और चीज़ी। आप इसे बनाएं, खाएं और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि बिल्कुल फ्री होता है। और बेल आइकन के बटन को तो ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। एंजॉय।